हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एडिशन लाइव क्लासेस में। जैसे कि दोस्तों आपको मैंने पिछले वीडियो में बताया थी कि हम बड़ी संख्याओं का आपस में मल्टीप्लाई कैसे कर सकते हैं, बड़ी संख्याओं का 11 से कैसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 3 से कैसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 9 से कैसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं, इसकी शॉर्ट ट्रिक्स बताई थी। तो वही आज मैं इस वीडियो में लेके आया हूँ कि हम जो बड़ी संख्या या दो या तीन अंकों की जो संख्या होती है उनका स्क्वायर कैसे निकाल सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताऊँ, जैसे 24 है, ठीक है, अगर एग्जाम में आपका अगर 24 ये 24 दे रखा है, इसका आपको स्क्वायर निकालना है, तो जाहिर सी बात है आप कैसे निकालेंगे, आप कैलकुलेटर का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। लेकिन मैं आपको ऐसी शॉर्ट ट्रिक बताने जा रहा हूँ इस वीडियो में कि जिसमें आपको कैलकुलेटर का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना होगा, विद इन 10 सेकंड के अंदर अंदर आप इसकी शॉर्ट ट्रिक चुटकियों में निकाल सकते हैं, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने नहीं किया है हमारे चैनल को सब्सक्राइब, तो जल्दी करिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब, ताकि ऐसी शॉर्ट ट्रिक की अपडेट्स और एजुकेशन से जुड़ी कोई भी टिप्स आप तक जल्द से पहुंच सके। और हाँ, सबसे इम्पोर्टेंट बात, रेड बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलिए। अगर कोई वीडियो अपलोड होता है हमारे चैनल पे एजुकेशन से रिलेटेड, तो उसकी अपडेट आप तक जल्द से पहुंच सकती है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सो गाइस, जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैं एक नई शॉर्ट ट्रिक लेके आया हूँ आपके लिए। तो जैसे कि मैं यहाँ पे एक संख्या लिख रहा हूँ 24, ठीक है। अभी 24 का आपको स्क्वायर निकालना है, तो आप कैसे निकालोगे बताइए। इसके लिए जाहिर सी बात आप कैलकुलेटर का इस्तेमाल करेंगे या फिर मोबाइल में गैजेट वगैरह होते हैं उसका इस्तेमाल करेंगे। लेकिन मैं यहाँ पे आपको ऐसी शॉर्ट ट्रिक बताने जा रहा हूं जिससे आपको ये बहुत सिंपली हो जाएगा, एग्जाम में आपका टाइम भी बचेगा, प्लस आपका माइंड भी शार्प हो जाएगा, ठीक है। तो जैसा कि आप 24 का स्क्वायर निकालेंगे, तो जाहिर सी बात है आपको 1 से लेकर 20 तक का स्क्वायर याद होना चाहिए, ठीक है। अगर याद नहीं भी है तो हमारे वीडियो की स्क्रीन पे आपको जो शीट दिखाई दे रही होगी, एक स्क्रीनिंग दिखाई दे रही होगी साइड में, तो आप उसमें देख सकते हैं 1 से लेकर 20 तक की स्क्वायर्स की, ठीक है। तो जैसा कि इसका हम स्क्वायर निकालने जा रहे हैं, तो इसके लिए आपको एक फॉर्मूला बता रहा हूँ। इस ट्रिक में फॉर्मूला बहुत अहम रोल लगता है। तो जो फॉर्मूला ये है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, ये फॉर्मूला है। ये फॉर्मूला बहुत अहम रोल रखेगा इस ट्रिक में। तो अभी जो ट्रिक है इस वीडियो की, इसका जो शॉर्ट ट्रिक निकालने की, इसका स्क्वायर निकालने की, वो इस फॉर्मूले के ऊपर डिपेंडेड है पूरी। तो जैसा कि इसमें मैंने फॉर्मूला क्या लिखा है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। अब इस फॉर्मूला, इस फिगर को हम इस फॉर्मूले में डालेंगे, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसका अलग अलग पार्ट करना पड़ेगा 24 का। यानी इसमें जो 2 है उसको ए मानेंगे हम, और 4 है उसको बी मानेंगे, ठीक है। 2 को हमने ए मान लिया, 4 को बी मान लिया। तो इस फॉर्मूले में लिखा आप इसको, 2 स्क्वायर प्लस 2 ए प्लस बी प्लस 4 स्क्वायर, ठीक है। तो ये आ गया, एक ही जगह 2 आ गया, और यहां पे 2 इसमें फॉर्मूला में है, ठीक है। और 2 एक की जगह यहाँ पे 2 लिख दिया, और बी की जगह 4 लिख दिया, और बी की जगह यहाँ पे 4 स्क्वायर लिख दिया, ठीक है। ये फॉर्मूला बना लिया हमने। अब हमें इसे करना क्या है, इसमें हमें ये करना है कि 2 का स्क्वायर क्या होता है, 2 का स्क्वायर 4 प्लस, अब इसमें क्या करना है आपको, इसको मल्टीप्लाई करना है, 2 2 4 एंड 4 4 16, ठीक है। अब प्लस करके 4 का स्क्वायर लिखना है, 16 आ जाएगा, ठीक है। अब हमें क्या करना है, शायद मैंने आपको 2-3 दिन पहले एक ट्रिक बताई थी कि हम 11 से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो उसमें हमें उल्टा ऐड करना पड़ता है, ठीक है। तो इसमें भी हम वही ट्रिक अपनाएंगे। इसका आंसर निकालने के लिए मैं आपको बता देता हूँ, ये जो 6 है, ठीक है, इसको आपको एज इट इज ऐसे ही लिख देना है, ठीक है, उठा के, और इसको प्लस करना है इससे, यानी 1 को 6 से प्लस करेंगे कितना हो गया 7, ठीक है। अब लेट्स से आपके पास यहाँ 1 बच रहा है, क्योंकि इसको इसे प्लस कर लिया ना तुमने। अब इसके बाद क्या बच रहा है, इसका जो पार्ट बच रहा है 1, अब इसको इसे प्लस करेंगे तो कितना हो गया 4 और 1 5। तो इसका जो रूट आ, इसका जो स्क्वायर आया 24 का स्क्वायर है वो 576 एग्जैक्टली इसका आंसर आ गया। विद इन 10 सेकंड के अंदर आप निकाल सकते हैं इसको, ठीक है, क्योंकि मैंने आपको समझाया इसलिए टाइप कर दिया इतना। वैसे आप इसका 24 का स्क्वायर आप निकाल के देख लीजिए कैलकुलेटर से, एग्जैक्टली 776 आंसर आएगा, ठीक है। अब चलिए हम दूसरा देखते हैं, ये तो 24 का। इसके अलावा मैं आपको एक और बताता हूं, ठीक है। इसके अलावा हम जानेंगे 48 का स्क्वायर, ठीक है।
48 का इसका निकालेंगे, फॉर्मूला ऐसे चीज यही रहेगा अपना। तो चलिए निकालते हैं, 48 को अपन करेंगे 4 स्क्वायर प्लस 2 4 8 प्लस 8 स्क्वायर, ठीक है। ये फॉर्मूले उठा दिया अपने, अब 4 4 जा कितनी होती है 16 प्लस 4 4 4 साइड 8 8 जा 64, ठीक है। 8 8 जा 64 होता है, अब 8 8 जा 64 यहां पे 64 लिख दिया, ठीक है। पहले ये लिख दिया, अब हम इसको प्लस करेंगे उल्टा, 4 ऐसे चीज 4 उतार देंगे यहां पे। अब 6 को 4 से प्लस करेंगे कितना हो गया 10 0 देन 1 रेस्ट बचा अपने पास 6 और 1 7 6 6 12 और 1 13 का 3 रेस्ट 1, ठीक है 2। तो ये आ गया 2304, इसका आंसर आ गया, इसका स्क्वायर 48 का स्क्वायर आता है 2304, ये इसका एग्जैक्ट आंसर है, ठीक है। तो इसमें मुझे कितना टाइम लगा, मैं 5 सेकंड 10 सेकंड, आपको भी इतना ही टाइम लगेगा, 10 सेकंड से ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, ठीक है। तो एक और कर लेते हैं, अब हम निकालेंगे इससे थोड़ी सी बड़ी संख्या, ठीक है। अब हम निकालेंगे 56 का स्क्वायर, ठीक है। 56 का स्क्वायर निकालेंगे, फॉर्मूला जैसे ही रहेगा, ठीक है। तो 5 स्क्वायर प्लस 2 5 6 प्लस 6 स्क्वायर, ठीक है। अब 5 से 5 5 कितना होगा 25 प्लस 5, 6, 5 30 एंड 30 इंटू 2 कितने होते हैं 60, ठीक है। प्लस 6, 6 जा 36, ओके ये आ गया। अब इसको वैसे ही प्लस करेंगे अपन, ऐसे भी 6 उतार दिया अपन यहाँ पे, 3 को 0 से प्लस करेंगे कितना होगा 3 और 6 को 5 से प्लस करेंगे कितना होगा 11, रेस्ट अपने पास बची है 1 और 2 में 1 एंड करेंगे कितनी होगी 3, यानी 31 36 इसका स्क्वायर आ गया 56 का, ठीक है। तो ये थी 56 का स्क्वायर, ठीक है। और इसके अलावा एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, ठीक है, ताकि आपकी मैथ स्ट्रॉन्ग हो जाए। एक क्वेश्चन और बताता हूं आपको, हम निकालेंगे 75 का स्क्वायर, ठीक है। 75 का स्क्वायर निकालेंगे तो फॉर्मूला यही आएगा पूरा, ठीक है। 7 स्क्वायर प्लस 2 7 5 प्लस 5 स्क्वायर, ओके एंड 7 7 कितने होते हैं 49 प्लस 7 5 35 और 35 इनटू कितने होते हैं 70, ठीक है। प्लस 5 5 25 होते हैं, ओके ये आ गया। अब इसको वैसे प्लस करेंगे 5, ठीक है, 2 में 0 ऐड करेंगे कितना हो गया 2, 7 में 9 ऐड करेंगे कितना हो गया बताइए 16, ठीक है 16 का 6 और रेस्ट वन यहां पे आ गया 5 और 1 सॉरी 4 और 1 5, यानी ये इसका आंसर आ गया 5625 इसका आंसर है, ओके ये इसका आंसर है। आप चाहे कैलकुलेटर से कैलकुलेट करके देख लीजिए, यही एज इट इज आंसर आएगा, ओके। तो गाइस ये तो थे दो अंकों के रूट रूट निकालते हैं सॉरी रूट क्या दो अंकों की स्क्वायर निकालना, ओके। अब हम आगे जानेंगे कि तीन संख्याओं का स्क्वायर कैसे निकालेंगे, दो अंकों का स्क्वायर तो निकाल लिया अपन ने, ठीक है, अब हम तीन संख्याओं का स्क्वायर निकालेंगे। सो गाइस जैसा कि हमने आपको बताया कि हम पहले दो संख्याओं का वो रूट स्क्वायर निकाले दो संख्या का, अब हम जानेंगे कि तीन संख्या का स्क्वायर बिना कैलकुलेटर के कैसे निकाल सकते हैं। तो उसके लिए मैं क्या नंबर लिख रहा हूं, जैसे कि मैंने यहाँ पे नंबर लिखा है 115, ठीक है। अब कई बार एग्जाम में क्या क्वेश्चन आता है कि आपको 115 का स्क्वायर निकालना है, तो जाहिर सी बात है कैसे निकालोगे आप कैलकुलेटर का हेल्प करोगे, कैलकुलेटर हेल्प लोगे कैलकुलेटर से। तो मैं यहाँ पे आपको ट्रिक बता रहा हूँ, बिना कैलकुलेटर की हेल्प से आप स्क्वायर कैसे निकाल सकते हैं छोटे से फॉर्मूले से विद इन 10 सेकंड के अंदर अंदर। तो चलिए जानते हैं 115 का हमें स्क्वायर निकालना है। तो गाइस फॉर्मूला यही रहेगा ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो इसमें हमें करना क्या होगा, जैसे कि आप सोच रहे होंगे पहले तो दो डिजिट थी तो उनको हम ab में डिफाइन करते थे, लेकिन इसमें तीन डिजिट है। तो गाइस कंफ्यूज मत होइए, मैं आपको बता देता हूं इसमें भी हम ab ही डिसाइड करेंगे, जैसे कि 11 है इसको हम a मानेंगे और 5 को b मानेंगे, ठीक है। तो आपको सिंपल हो गया होगा, तो यहां पे लिखेंगे 11 स्क्वायर प्लस 2 11 5 प्लस 5 स्क्वायर, ठीक है। अब आ गया ना फॉर्मूला सेम एज इट इज दिया गया फॉर्मूला, तो 11 का स्क्वायर कितना होता है 121, ठीक है, प्लस इसको मल्टीप्लाई करेंगे 11 5 का 55 होते हैं, या आप कैसे भी करके देख लीजिए 11 5 का 55 और 55 का 2 से
करेंगे तो कितना हो गया 110, यानी 55 दूनी 110 होते हैं, ठीक है। तो इसको प्लस करेंगे 55 5 5 25 होते हैं, ठीक है। तो ये इसका आ गया। अब फॉर्मूला का वही रहेगा कि इसको उल्टे हाथ से प्लस करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हमने पाइप लिख दिया, ये ऐसे आ जाएगा। उसके बाद बच क्या रहा है, 2 और 0 को ऐड करेंगे तो कितना हो गया 2। अब क्या बचा अपने पास, 11, ठीक है। 11 को हम 1 में ऐड करेंगे तो कितना हो गया 12 का 2, रेस्ट 1 यहाँ पे आ गया, 12 और 1 13। तो गाइस ये इसका आंसर हो गया 3225। ये इसके स्क्वायर हो गया, 115 का स्क्वायर कितना होता है 13225। तो आप कैलकुलेटर की हेल्प से करके देख लीजिए, एग्जैक्टली आंसर यही आएगा। तो आपके एग्जाम में जी ट्रिक बता रहा हूं, बहुत यूजफुल है। आप चाहे ग्रुप डी के एग्जाम दे रहे हो, चाहे कोई भी कॉम्पिटिशन एग्जाम दे रहे हो, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। ये ट्रिक आप फॉलो करोगे, एक यूनिवर्सल ट्रिक है, किसी भी नंबर पे अप्लाई कर लो। अगर आपको रूट याद है तो आप किसी भी नंबर पे अप्लाई कर लो, आपकी ट्रिक काम आएगी, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको बताया 115 का, अब हम आगे जानते हैं कि 125 का स्क्वायर कितना होता है। इस ट्रिक से 125 का स्क्वायर निकालते हैं, ठीक है। अब निकालेंगे 125 का स्क्वायर, ठीक है। फॉर्मूला सेम वही रहेगा। अब आपको पता भी चल गया होगा कि तीन संख्या को कैसे डिवाइड करते हैं ए बी में। तो हम यहां पे लिखेंगे 12 स्क्वायर प्लस 2, 12 यानी कि ए, 5 यानी कि बी प्लस 5 स्क्वायर, ओके। तो 12 12 का कितना होता है स्क्वायर 140, ठीक है। प्लस 12 5 60 60 दूनी कितने होते 120, ठीक है। प्लस 5 5 25, ठीक है। ये इसका वो नंबर आ गए, मल्टीप्लाई जो किया मैंने। अब इसको प्लस करेंगे उल्टे हाथ से, 5 और 2 में 0 जोड़े कितने हो गए 2, कितना बच गया 12 और 4 कितने होते 16 16 का 6 लेस्ट 1 4 और 1 5 15, ठीक है। तो ये इसका आंसर हो गया 15 625, इसका स्क्वायर आ गया 125 का, ओके। सो गाइस अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही, लेकिन ऐसी और भी शॉर्ट ट्रिक्स आप तक यूं ही पहुंचाता रहूंगा मैं, लेकिन उसके लिए सब्सक्राइब करना होगा आपको हमारे चैनल। तो जल्दी करिए सब्सक्राइब हमारे चैनल। और हाँ, सबसे बड़ी चीज ये कि हमारे चैनल पे आपको अनलिमिटेड एजुकेशन से रिलेटेड कोई भी जानकारी मिलती रहेगी आपको यूं ही, बस जुड़े रहिए आप हमारे साथ। और हमारे वीडियो आपको अगर पसंद आते हैं तो उसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए ज्यादा से ज्यादा, और लाइक करिए ताकि उनको भी ये शॉर्ट ट्रिक्स की जानकारी मिल सके, उनके भी एग्जाम में शॉर्ट ट्रिक काम आ सके। सो गाइस अभी के लिए थैंक यू एंड टेक केयर, बाय बाय।